लोग ऑलरेडी सरकार में झारखंड में है और हम लोग इंडिया अलायंस के पार्टनर और मिलकर के चाहते हैं चुनाव लेने और पुनः बीजेपी को झारखंड में परास्त। केवल हिंसा फैलाना, लोगों को भड़काना, नफरत की राजनीति करना, यही इन लोगों का काम रह गया। केवल यही काम रह गया। ये जा रहे हैं ना जगाने, लोग इनको जगाने का काम। बात होनी चाहिए शिक्षा पे, बात होनी चाहिए चिकित्सा पे, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पे। बिहार विधानसभा की खाली 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसकी घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना होगा, जिसको लेकर घोषणा जो है आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राज्य के 4 विधायकों ने जीत हासिल की थी, जिस कारण तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट खाली हो गई है, जिसको लेकर चर्चा थी कि आखिर बिहार की खाली 4 विधानसभा सीट पर चुनाव कब होना है। तो ऐसे में आज चुनाव की डेट जो है वो सामने आ गई है। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को मतगणना होगा, जिसको लेकर आज पत्रकारों ने पटना एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से चुनाव को लेकर सवाल किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब हम प्लेन में थे, तब हमें पता नहीं है कि क्या डिटेल है और कब चुनाव होना है। हालांकि अब इसको लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है और जो कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो सभी अपनी तैयारी कर रही है, तो हम भी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। इसके साथ ही एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, कहा है कि इलेक्शन कमीशन भी जो है जिसके इशारों पर मुख्यमंत्री, केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं उनके इशारों पर ही काम करती है, ये लोग कुछ नहीं करते हैं, मंत्री होकर भी बेरोजगार हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये लोग सिर्फ हिंसा और भड़काने का काम करते हैं, ना कि शिक्षा, रोजगार और नौकरी का काम करते हैं। अगर बात भी करनी है तो शिक्षा, नौकरी और रोजगार पर करिए, ना कि देश में हिंसा फैलाने पर। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो जरा सुने आप लोग। बाय इलेक्शन फेडरल इलेक्शन का घोषणा हुआ है, झारखंड का 2 सीट हुआ है, 13 और 20 तारीख आराम से रहो ना। और साथ ही साथ जो बिहार के 2-4 विधानसभा चुनाव, जब चुनाव होगा तो हम लोग जो है यही हम लोगों की कोशिश है कि सारे चुनाव को हम लोग जीते। और चुनाव की तैयारी तो सब लोग पहले से ही कर रहे थे, सब लोग तैयार। अब जब घोषणा हुई है तो हम तो प्लेन में बैठे तभी पता चला हम, तो उसमें सारा क्या क्या डिटेल्स वगैरह है, डेट्स क्या है, जहाँ तक पता है 13 और 20 को चुनाव। आरजेडी कितने सीटों का चुनाव लड़ रही है झारखंड में? बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी सरकार में झारखंड में है और हम लोग इंडिया अलायंस के पार्टनर और लोग मिलकर के चाहते हैं चुनाव लेने और पुनः बीजेपी को झारखंड में परास्त करें, ये हम लोगों का लक्ष्य है। बीजेपी को हराने के लिए हम लोग चाहे पूरी तैयारी हो, वो हम लोग जो है हर चुनाव में हम लोगों की रहती है, लेकिन अभी कितने कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, आपको लगता है कि थोड़े दिन में ये क्लियर हो जाएगा। आप यात्रा पे निकल रहे हैं, गिरिराज सिंह भी यात्रा पे जा रहे हैं और हिंदू को जगाने जा रहे हैं, आप भी यात्रा पे निकल रहे हैं, बिहार में यात्रा की सियासत हो रही है क्या? यहाँ सोया हुआ कह रहे हिंदू सोच जागाना है। गिरिराज सिंह जी केंद्र मंत्री है ना, मोदी जी ने मंत्रालय में कोई केंद्र मंत्री का कोई काम तो होता नहीं है, सारे निर्णय और सारा काम तो दो ही लोग बैठ करके करता है, ये लोग तो मंत्री रह करके भी बेरोजगार ही रहता है, तो मतलब तो है नहीं। केवल हिंसा फैलाना, लोगों को भड़काना, नफरत की राजनीति करना, यही इन लोगों का काम रह गया। केवल यही काम रह गया और कोई काम नहीं है। बात होनी चाहिए शिक्षा पे, बात होनी चाहिए चिकित्सा पे, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पे, बात होनी चाहिए पलायन पे, तो ये बात करते हैं केवल नफरत की, केवल हिंदू और मुसलमान की।
इनको अभी भी समझ में नहीं आया, ये जा रहे हैं ना जगाने, लोग इनको जगाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, साफ तौर पर कहते हुए आए हैं कि केंद्र की जो सरकार है वो सिर्फ लोगों के बीच हिंसा फैलाती है, अक्सर भड़काऊ काम करती है जिससे लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा का माहौल बनता है। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि अगर काम करना है तो शिक्षा रोजगार नौकरी पर कीजिए, बात भी करना है तो शिक्षा रोजगार और नौकरी पर कीजिए, लेकिन ये लोग इन सब चीजों पर बातें ना कर कर सिर्फ और सिर्फ समाज में हिंसा फैलाते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।